आदाय कर गए। होली की सुहावनी शाम थी, बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहाँ अमृत और ईसाब आ पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। अमृत और ईसाब के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी। गांव का बनिया 5 बार मना करने पर 1 बार कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे। लेकिन ईसाब की माँ नहीं थी, भाई नहीं था, केवल पिताजी थे। इन दोनों दोस्तों को एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत ईसाब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। चबूतरे पर बैठे 3 लड़कों में से दूसरे लड़के को शरारत सूझी। वह बोला, भाई लड़कर तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज्यादा। हाँ हाँ अमृत, ठीक तो है, देखो तो सही कौन जीतता है। पहला लड़का बोला, यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़ना है। ईसाब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत का भाई ठीक ही था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। बात सही थी। अमृत ने ईसाब को नए कपड़े सिलवाते देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे। इन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। इस सब के बाद ईसाब की तरह सज धज कर गांव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो, और फिर लड़ाई भी ईसाब के साथ। इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल, हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं, और उसे खुली जगह में खींच कर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था, वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना, देख ले कालिया, मना कर रहा हूँ। इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया, जीत गया। यह देखते ही ईसाब को गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए ईसाब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उनको डर था कालिया के माँ बाप से डांट पिट जाने का। अमृत ईसाब को लेकर भाग निकला। ईसाब की फटी हुई कमीज जेब के साथ देर बालिश्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहां से ठिठक गए। आधी जीप बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। आप? उसी समय ईसाब के पिताजी ने घर से आवाज लगाई, अरे ओ ईसाब, कहाँ गया रे? दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थी कि आप मारे गए। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था
की कमीज का फटा टुकड़ा देखकर इसक का पठान बार उसकी चमड़ी के भी टुकड़े कर देगा। फिर से आवाज सुनाई दे, इसक, इसक। कहां गया? दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वह उसी ओर आ जाएंगे। अचानक अमृत के दिमाग में बिजली कड़की। वह इसक को एक तरफ ले गया। अरे आ तो सही। फिर दो घरों के बीच की सकरी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए इसक से कहने लगा, अपनी कमीज जल्दी निकाल और यह ले मेरी पहन ले। इसक तो भौचक्का रह गया और बोला, तुम? मैं तेरी पहन लूंगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर कोई देख लेगा। यह बोलकर इसक बटन खोलने लगा लेकिन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, अदल बदल? लेकिन तेरे पिताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत ने जवाब दिया, लेकिन मार तो है ना? बात सही थी। इसक ने कई बार देखा था पिताजी की मार से बचने के लिए अमृत अपनी माँ के पीछे छुप जाता था। हाँ, माँ से भी एक तो चपट मिल जाती थी लेकिन वह तो उसे गुड़ जैसी मीठी लगती थी। इसक ने झट से अपनी कमीज निकाल दी और दोनों ने एक दूसरे की पहन ली। दोनों गली से बाहर निकलकर डरते डरते अपने घर की ओर चलने लगे और घर पहुंच गए। दोनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। पर त्योहार का दिन था, होली की चहल पहल थी। अमृत की माँ ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर माफ कर दिया। सुई धागा लेकर कमीज के फटे हुए हिस्से को भी सिल दिया। इसके साथ ही दोनों बच्चों का वह डर और संकोच दूर हो गया। दोनों के दिलों में अपूर्व आनंद था। इतने में किसी रहस्य वाले लड़के ने उनके आनंद को उड़ा दिया। आंख मिचकाते हुए बोला, क्यों अदल बदल? अब तो सभी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे, क्यों रे अदल बदल? सारा भांडा फूट जाने के डर से दोनों होली के स्थान से घर लौट आए। आंगन में चारपाई बिछाकर इसक के पिताजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, यूं अलग अलग क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। पिताजी की इतनी मीठी आवाज सुनकर दोनों कांप उठे। दोनों को लगा कि पिताजी को सही बात मालूम हो गई है इसलिए इतना स्नेह दिखा रहे हैं। इतने में पठान बाप उठा और 10 साल के अमृत को उठा लिया। फिर आवाज दी, अरे बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसते हुए आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो तुमसे संभलता नहीं। लेकिन आज से 21 भी हूँ तो संभाल लूंगा। पठान का गला भर आया। बहाली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके पठान ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को गली में जाते हुए देखा था। वहां इन दोनों ने क्या किया और अमृत का दिया हुआ जवाब बताया कि मेरी तो माँ है ना, बताते हुए पठान की आंखें भर आई। उसने कहा, सच कहता हूँ, इनकी बात ने मेरा दिल साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया। उसने इसक को प्यार से गले लगा लिया और उसकी पीठ दुलारते हुए बोला, अब तुम्हें कभी अपनी माँ का अभाव महसूस नहीं होगा। सभी इन बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर दंग रह गए। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत इसक को देखा और छेड़ना शुरू किया, अदल बदल भाई, अदल बदल। अब अमृत और इसक खुश हुए और मुखिया ने उनके नाम की ऐसी घोषणा की मानो नए नाम का खिताब दे रहा हो।
आज से अमृत का नाम अदल और इसक का नाम बदल रखा जाए। गांव के सारे बच्चे खुश हो गए और आवाज गूंज उठी, अदल बदल भाई अदल बदल।